गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एवरी वन दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह आई वेलकम यू ऑन गोट टू द प्रेजेंट सेशन ऑफ डेली करंट अफेयर्स एक्सप्रेस ऑन इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अन अकेडमी तो अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में स्वागत है आप सभी लोगों का डेली करंट अफेयर्स एक्सप्रेस के सेशन में वी आर गोइंग टू सी ट्वेंटी सेवन डिसंबर दट इज टू डेज करेंट अफेयर डेलिवेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू प्लस द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन बट बिफोर प्रोसीडिंगट मी नो इफ आई एम ऑर्टिबर एंडबल सो देट वी मे प्रोसीड इन टूडे सेशन यस गुड मॉर्निंग नमस्कार जय हिंद तो चलिए शुरू करते हैं सेशन आज का दिस इज डॉ अनुराग अनेट यू पी एस सी मेंसपर्ट इन द फील्ड फॉर द पास्ट वन डी केड इन ऑफलाइन मेंन एंड हाफ इज इन ऑनलाइन मेंटरिंग अपॉन दिन अकेडमी इन यू पी एस सी है चॉइस फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट इन माई फोर अटेम एंड फोर मेन्स I have also worked as Assistant Commissioner Sales Taxes in Uttar Pradesh State Services through UPPCS examination for three years after which I resigned from the service to pursue my passion of mentoring the UPSC aspirant. And uh, Telegram channel Academy underscore Anurag Singh. Join session ke free PDF and further updates. Ke liye. और मैं एडवाइस करूंगा यूपीएससी पी एस सी एस सी कॉम्बैक्ट सेकेंड जनवरी को शेड्यूल्ड है फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट दैट इज नेक्स्ट संडे डे शेड्यूल्ड इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप ऑफ टेस्ट बेस्ड अपॉन द सिलेबस ऑफ एंड यू यू हैव कैन रीसेंटसम्प्ट टेस्ट टू जज योर परफॉर्मेंस ऑल्सो स्कॉलरशिप्स एंड सब्सक्रिप्शन एंड यूज एनरोलमेंट कोड अनुराग टू एनरोल फॉर द टेस्ट आउट हेयर एंड ये देखिए आइकनिक सब्सक्रिप्शन के कुछ फायदे स्टडी प्लानर मेसर राइटिंग प्रैक्टिस ओपन हाउस विद एजुकेटर्स अलॉन्ग विद के फायदे भी जुड़े रहते हैं मॉक टेस्ट एंड यू कैन गेट लोन्स फॉर यूपीएससी सब्सक्रिप्शन एट जीरो परसेंट इंटरेस्ट रेड एंड नो प्रोसेसिंग फीस आउटर यू कैन सी ये देखिए प्लस और आईकनिक के वन टू थ्री इ्लान आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स एंड यूज रेफरल कोड अनुराग

इट्स ए दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लस मीन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज हेल्ड इन दैट स्पेशल क्लास ये देखिए तो चलिए स्टूडेंट्स आज है सत्ताईस दिसंबर कल का सेशन दट इज संडे सेशन इज हेल्ड अपऑन द अन अकेडमी ऐप मंडे टू सैटरडे दिस करेंट अफेयर इज हेल्ड अपॉन द यूट्यूब चैनल तो एंड आई ट्राई टू कॉम्प्रिहेंसिवली कवर द करेंट अफेयर्स न्यूज जितना कवर हो सकता है मैं कवर करता हूँ तीन चार न्यूज़ पेपर्स उठाकर द इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू द फाइनेंशियल एक्सप्रेस एंड लाइव मेन्ट न्यूज पेपर्स आर द की एरियाज आर द की न्यूज पेपर्स फ्रॉम वेयर आई टेक आउट द न्यूज बिकॉज बिकॉज ईच एंड एवरी सिंगल करेंट अफेयर न्यूज मैटर्स इन द यू पी एस सी एंड द स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन यस यस थैंक्स लॉट को पोस्टेड दैट गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में अराउंड फोर्टी फोर्टी मार्क्स के आसपास करंट अफेयर्स हिट कर गया है लेक्चर से सो यू कैन रिलाइक कम्प्लीटली अपॉन दिस तो चलिए शुरू करते हैं सेशन आज का एवरी न्यूज वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम टू परस्पेक्टिव डी कोड एंड इंटरलिंग अप्रोच ये मेन्स के लिए बहुत ही आवश्यक मेन्स में आंसर राइटिंग में यू नीड प्लस वन एंड प्लस टू मार्क्स टू टेक यू गिव यू एन एच ओवर दिन एंसर राइटिंग और यही एच मिलता है करेंट अफेयर से टेन ट्वेंटी वर्ड निकालकर पुट करने में एंड सेकेंड थ्री सिक्स अप्रोच इसका मतलब क्या है? That prelims के लिए holistically देखना है, यहां से क्या क्या सवाल निकल सकते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन चलिए स्टूडेंट्स लेट्स टेक आउट द एटल एटलस निकाल लीजिए एटलस की बहुत आवश्यकता है जी एस पेपर वन टू थ्री फोर मेन्स का सिलेबस निकालिए डी कोड इंटरलिंक अप्रोच के लिए बहुत ही जरूरी डी कोड एंड इंटरलिंक अप्रोच एंड टेक आउट द न्यूज नोटबुक एंड टेक आउट थ्री फोर कलर पेन्स एंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स टेक ऑफ इन टूडे सेशन तो सबसे पहला ये देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंशंट एंड मिडिवल हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर जी एस पेपर वन जनरल स्टडीज पेपर वन इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक है आज न्यूज में मैं बता दूं आपको साउथ uh, अफ्रीका का न्यूज है एज uh, ऑफ uh, 90, एपर हम डिस्कस करेंगे चिंता मत कीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री का न्यूज है लेकिन आई एम गोइंग टू डिस्कस इट इन इंटरनेशनल रिलेशन एज वेल ओके तो और कोई रिमेनिंग न्यूज नहीं है जीएस पेपर वन को लेकर ये हिस्ट्री को लेकर नेक्स्ट जीएस पेपर वन में इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज नो न्यूज फॉर टूडे नेक्स्ट जीएस पेपर टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी दो एंड तीन दोनों इंटरनल सिक्योरिटी कम इन जीएस पेपर थ्री मेंस एंड रिमेनिंग पेपर टू और देखते हैं यहां से क्या क्या न्यूज है सबसे पहला न्यूज ये रहा आपके स्क्रीन पर नागालैंड पैनल टू तो लुक इन टू एफ एस पी एट्रोल आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट गिविंग लीगल इम्यूनिटी टू द आर्म फोर्सेज फॉर दर एक्शंस टेकन इन द डिस्टर्ब एरिया यस डिस्टर्ब एरियाज घोषित करके जहां कहीं लागू होता है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट उस जगह पर लीगल इम्यूनिटी दी जाती है आर्म्ड फोर्सेज को दे आर नॉट एंसरेबल टू एनी वन एक्सेप्ट देर एक्सेप्ट देर दिस द फोर्सेज इट सेल्फ वो कहीं पर भी एंसरेबल नहीं है फॉर दर एक्शन टेकन और इसी वजह से दिस इज अक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर गिवन टू दर्म फोर्सेज

एंड आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से ये कहा गया उन आर्म फोर्सेस ने सेटअप uh, किया है पैनल इन्वेस्टिगेट करने के लिए गलती हो गई उन लोगों से और उसके बाद नागालैंड में डिमांड शुरू हो गया विदड्रॉ करने का ए एफ एस पी ए का और यही वजह है द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अप द इनिशिएटिव एंड द होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल विल हैड द पैनल एंड टॉप ऑफिसर्स ऑफ असम राइफल्स एंड सी आर पी एफ जो वहाँ पोस्टेड हैं िलिटरी फोर्सेस जिनको ये दिया गया है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ये सब कोई बैठकर देखेगा 45 डेज देखे, में रिपोर्ट आएगी इस जगह परिटी एंड मैं बता दू आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में सबसे पहली बार नागालैंड में ही लागू किया गया था एट इट स्टिल इज इन फोर्स इन नागालैंड सिंस फिफ्टी गालैंड वॉज द फर्स्ट स्टेट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड टू हैव एफ एस पी एम पोस्ट अपॉन इट दैट्स इट क्या इस जगह पे नागालैंड में कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स का नाम है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आइजेक मोइवा ग्रुप एंड नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग ग्रुप सुनाया अपने टर्मी स्टूडेंट्स So this is all about this news. Internal security, value addition. If any question comes over AFSPA, you can write it in the conclusion. Recently, a new panel set up to look into AFSPA withdrawal after a botched up operation, armed operation in Nagaland. That's it. Second news: right to be forgotten, government position, court rulings and laws elsewhere. Last week, the center told the Delhi High Court. Delhi High Court me, very many petitions. दायर किए गए दाखिल किए गए हैं ऑन राइट राइट टू टू बी बी फॉरगॉटन फॉरगॉटन का मतलब क्या देखते हैं इज राइट टू बी फॉरगॉटन इट अलाउज अ पर्सन टू सीक डिलीशन ऑफ प्राइवेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट इंटरनेट पर जितना इंफॉर्मेशन है उसका उसके बारे में उस कंसर्न पर्सन के बारे में हो सकता है उसने लोन लिया हो लोन नहीं वापस किया हो उसका वहां पर इंफॉर्मेशन हो सकता है द पर्सन माइट है इंफॉर्मेशन वहां पर ठीक है और यही डिलीट करना उसके प्राइवेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट इसी को राइट टू बी फॉरगॉटन कहते हैं द कंसेप्ट अब आप बोलेगा सर क्यों जब उसने गलती की तो क्यों अगर गलती की है पनिशमेंट मिल गया है उसके बाद बीस साल के बाद भी वो डेटा वहीं पर रखा हुआ है डोन्ट यू थिंक द पीपल्स व्यूज माइट माइट बी सेम जित जैसा बीस साल पहले था टू अर्ड एट पर्सन यस यही वजह है कि राइट टू तो बी फॉर गॉटन बार बार डिमांड में आ रहा है ये देखिए तो यहां देखिए लिखा हुआ है कंसेप्टन इन समूरिस्ट्रिक्शन अब्रॉड पर्टिकुलरली इन यूरोपियन यूनियन ई यू मैक्सिमम कंट्रीज हैिविंग राइट टू बी फॉर गॉटेन वेल द राइट इज नॉट रिकोगनाइज बाई लॉ इन इंडिया इंडिया में कोई नियम कानून नहीं है राइट टू बी फॉर गॉटेन का ध्यान दीजिएगा कोर्ट्स इन रिसेंट मंथ लेड है कहा नियम कानून नहीं है लेकिन राइट टू प्रिवेसी का यह अधिकार ने इंटरप्रीट किया है टू यू एग्री टी ये देखिए राइट टू बी फॉर गॉटन अब आप बोलेगा सर क्या कोर्ट्स भी ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल कहते हैं भाई द कोर्ट्स आर द इंटरप्रीटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आई होप यू एग्री विद मी एंड इंटरप्रीटर का मतलब होता है इंटरप्रीट करना संविधान को समझना संविधान को उसका उसका मीनिंग बढ़ाना संविधान है किसी आर्टिकल का एंड दे हैव हेल्ड राइट टू बी फॉर गॉटन ऑलवेज अंडर द राइट टू प्रिवेसी ये देखिए एंड राइट टू प्रिवेसी कहाँ होल्ड किया गया इट इज अंडर आर्टिकल ट्वेंटी स्वामी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज केस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया नाइन जज बेंच बैठा था इसमें राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कोर्ट ने होल्ड किया ये देखिए एंड प्राइवेसी इज अनेसरी कंडीशन फॉर द मीनिंग फुल एक्सरसाइज ऑफ अदर गटेड फ्रीडम्स येस इट्स बाई डिफॉल्ट नीडेड टू थाउजेंड सेवनटीन अक्टूबर का वर्ड एक्ट बहुत फेमस वर्ड एक्ट एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये देखिए uh, इस, इसी का मीनिंग एक्सपैंड कर गया राइट टू प्रिवेसी इट इंक्लूड्स ना हो ये देखिए एंड राइट टू प्रिवेसी के अंदर राइट टू बी फॉर गॉटन ये देखिए क्या ये याद रहेगा स्टूडेंट्स प्रदेश में सवाल निकल सकता है टेल इन द चैट बॉक्स ये देखिए तो राइट टू बी फॉरगॉटन ये आया ही इसलिए क्योंकि ऑनलाइन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक व्हाट्सएप मीन्स जो भी है इंटरनेट पे भी एक बार जब पोस्ट पड़ जाता है डिलीट नहीं होता है इट इज इन द डेटाबेस फॉर लॉन्ग टाइम दैट्स इट सो लास्ट वीक द सेंटर अब सेंटर ने दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा भाई कि राइट टू बी फॉर गॉटन क्या आप नियम बनाओगे अभी ये किसने पूछा दिल्ली हाईकोर्ट ने किससे पूछा सेंटर से दैट विल यू मेक एनी लॉ राइट टू बी फॉर गॉटेन द सेंटर टोल द डी हाईकोर्ट दैट द राइट टू बी फॉर गॉटन इज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट राइट टू प्रिवेसी बट एड एट दैट इट हैज नो सिग्निफिकेंट रोल उसने कहा नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा लॉ बनाने का काम इट हैज नो सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन द मैटर ये देखिए द सेंटर हैज़ नो रोल टू प्ले पिटिशंस अक्रॉस कोर्ट हैकिंग एनफोर्समेंट ऑफ दिस राइट अ लीगल प्रिंसिपल दैट इज नॉट येट बैक्ड बाई एनी लॉ इन इंडिया अभी तक पिटिशन यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिटिशन दायर किए गए कि सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है सेंट्रल कह रहा है ये अभी हमसे नहीं हो पाएगा हम नहीं बनाएंगे नियम आई डोंट हैव एनी रोल आउट हेयर Which countries have such laws? The European Union in 2018 adopted the General Data Protection Regulation. Data regime comes up again, और उसमें right to be forgotten should be a integral part of it. Yes, और यह ये देखिए Article 17 of the General Data Protection Regulation of European Union mentions करता है right to eraser मिटा देना erase करना जिससे eraser से आप erase करते हैं अपनी कॉपी पे पेंसिल से लिखा हुआ कुछ भी तो वैसी राइट टू इरेजर ऑफ सर्टन कैटेगरीज ऑफ पर्सनल डेटा विच इज नो लॉन्गर नेसेसरी ऐसा ही कुछ रशिया ने भी पास किया इरेजर एंड फॉर गॉटन सेम थिंग देखिए रशिया ने भी नियम पास किया है वट इज द पोजिशन इन इंडिया इन अ ब्रीफ रिप्लाईन ऑफ द पिटिशन अर्लियर दिस वीक द सेंटर टोल दिल्ली हाईकोर्ट दैट राइट टू प्रिवेसी हैज बीन रिक्नाइज एज अ फंडामेंटल राइट इन द केस पुता स्वामी जजमेंट 2017 मैंने बताया आपको एंड दैट द राइट टू बी फॉरगॉटन इज इवॉल्विंग एट प्रेजेंट इन द कंट्री इंट्रिंसिक का मतलब उसके अंदर ठीक है इंट्रिंसिक मींस अलग उसी के अंदर मीनिंग उसका दैट्स इट ठीक है तो ये देखिए दिस द गवर्नमेंट सेट द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो अभी अभी है अभी कंसीडरेशन uh, में स प्रोविजन टू द डॉक्टर राइट टू बी फॉर गॉटन पर्सनल डेटा बिल का अभी डिस्कशन हुआ था डाला गया पार्लियामेंट में उसके अंदर है राइट टू बी फॉर गॉटन सेंटर ने कहा जब वो बिल पास हो जाएगा राइट टू बी फॉर गॉटन विल कम आउट इन दंट्री बट टिल देन टिल यू आर यू आर दू कोर्ट्स यू आर द जुडिशरी यू डिसाइड अपॉन इट नथिंग एल्स सो इज दिस क्लियर स्टूडेंट देखिए

उसे हटाया जाए इन अगस्त द कोर्ट इन द इन अगस्त द कोर्ट हैड अलाउड एन एक्ट्रेस प्ली फॉर रिमूवल ऑफ एक्सप्लिसिट वीडियो फ्रॉम यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म क्लास का टाइमिंग अब अप्रोक्सिमेटली सिक्स फोर्टी फाइव सेवन ओ क्लॉक के बीच ठीक है इज इट क्लियर स्टूडेंट्स राइट टू प्रिवेसी राइट टू प्रीवेसी एक बहुत ही बड़ा राइट आर्टिकल सॉरी आर्टिकल ट्वेंटी वन के अंडर में केस uh, पुत्ता स्वामी केस में ये वही आधार वाला कोर्ट uh, केस था आधार को तो कहां कहां लिंक किया जाए एंड राइट टू प्राइवेसी के अंदर में राइट टू बी फॉर गॉटन इवॉल्व का राइट इवॉल्विंग स्टिल सो प्लीज लिंक दिस टॉपिक राइट टू बी फॉरगॉटन सेपरेट मेन्स क्वेश्चन कैन कम अप दैट मेन्स क्वेश्चन एलाबोरेट अपऑन द राइट टू बी फॉरगॉटन इन इंडिया तो एक बार एलाबोरेट कीजिएगा जो भी आपने आज पढ़ा है कोशिश कीजिएगा एलाबोरेट अपॉन इवोल्यूशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ राइट टू बी फॉर गॉटन इन इंडिया ये टेन मार्क्स क्वेश्चन ठीक है जीएस पेपर टू जी एस पेपर टू टेन मार्क्स वन फिफ्टी वर्ड्स ये देखिए एलबोरेटर ऑन द इवॉल्यूशन ऑफ राइट टू बी फॉर गॉटन इन इंडिया दस नंबर वन फिफ्टी वर्ड इवॉल्व कर रहा है इवॉल्व कर रहा है अभी पूरा इवॉल्व नहीं किया है ठीक है चलिए आगे बढ़ जाए बस चलो तीसरा न्यूज आज का ये देखिए एग्जीक्यूटिव शोज अ ट्रेंड टू डिसरिस्पेक्ट कोर्ट ऑर्डर सीजीआई सीजीआई से पूछा गया देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर एन वी नाही स्टैंडिंग है उनसे पूछा गया जुडिशरी के लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं ये देखिए यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ये देखिए व्हाट आर द चैलेंजेस द कंटेम्प्री चैलेंजेस फॉर द जुडिशरी उन्होंने कहा बस एक बड़ा चैलेंज है दैट एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव हु इज शोइंग डिसरेस्पेक्ट फॉर द कोर्ट ऑर्डर इन समे देखिए सो डोंट यू थिंक एग्जीक्यूटिव वर्सेज जुडिशियल कंफ्लिक्ट का क्लासिकल एग्जाम्पल ये, ये देखिए एग्री कर रहे हैं साइंस एंड टेक के न्यूज तो कल लिया है मैंने डिटेल में अन अकेडमी एप पर साइंस एंड टेक का न्यूज तो एडिट रहता ही है हर एवरी वीक ठीक है स यू कैन मैंशन द जनरल डेटा प्रोटेक्शन ऑफ यूरोपियन यूनियन दट एक्ट ओके तो यह देखिए एग्जीक्यूटिव जुडिशियल एग्जाम्पल है अब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी टेलमी स्टूडेंट्स आर दीज दी दाइपोड ऑफ गवर्नेस जिन्हें कहते हैं और इनमें आपस में क्या कंफ्लिक्ट एंड कॉपरेशन रहता है टेलमी ये देखिए लेजिस्लेचर कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन यस ये देखिए एंड यही वजह से गवर्नेंस इवॉल्व करता है ये देखिए जी डी पी आर इज अब मैंने अभी बताया था आपको जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जीडीपीआर ये देखिए चलिए आगे बढ़ जाए तब ठीक है तो ये बस आ, ज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म को बोल रहे हैं। आप डिस को अब बात माना कीजिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट यहां केवल एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कंफ्लिक दिखा रहा है बस दैट्स इट चलिए आगे बढ़ जाए अगला टॉपिक जीएसपीपर टू इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंस्टीट्यूशन इसी में अ कपल ऑफ न्यूज है फ्राम वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्सो लेट सी

एंड क्या इसके बीच का जो पानी का एरिया क्या इसे मोजाम्बिक चैनल भी कहते हैं टर्मी स्टूडेंट्स मोजाम्बिक चैनल ओपन मार्क कर लीजिए वेरी वेरी नीट एट ये देखिए सो मोजाम्बिक चैनल बिटवीन पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड मोजाम्बिक इज अ कंट्री ऑन द मोजाम्बिक चैनल ठीक है नो नाउ यू विल यूक दैट सर क्या क्यों आप इतना एलबोरेट कर रहे हैं टू इयर्स बैक इन टू थाउजेंड नाइनटीन द प्रिल्स क्वेश्चन Uh, कौन कौन सी नदियां कहां ड्रेन करती हैं? यहीं पे कुछ नदियां ड्रेन करती है रिवर ऑरेंज सॉरी रिवर जाम्बेजी सुना है आपने रिवर जाम्बेजी ये देखिए कमिंग आउट हेयर एंड रिवर लिम्पोपो सुना है आपने ये देखिए रिवर जाम्बेजी एंड रिवर लिम्पोपो देख लीजिएगा ये वही वही रीजन है जहां पे ट्रॉपिक ऑफ केपरी भी कट अक्रॉस करता है मकर रेखा कट अक्रॉसेज द मोजाम्बिक ये देखिए ई होप यू गॉट द करक्स जम्बेजी जम्बेजी रिवर एंड लिम्पोपो रिवर फॉलिंग इन टू द इंडियन ओशन साइड एंड इसमे जम्बेजी फॉल्स इंटू क्लियर कट मोजाम्बिक चैनल में बता दू आपको ठीक है तो ये देखिए इंटरनेशनल रिलेशन का पहला न्यूज है इंडिया हैंड्स ओवर फूड एड डिफेंस इक्विपमेंट टू मोजाम्बिक इज दिस इंडिया गुडविल डिप्लोमेसी टेलमी स्टूडेंट सी देखिये क्या ये गुडविल डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल है मुझे बताइए ये क्या इंडिया इसको और एक नाम दिया इंडिया ने कहा एक्सटेंडेड मैरिटाइम नेबरहुड डिप्लोमेसी ये देखिए एक्सटेंडेड मैरिटाइम नेबरहुड डिप्लोमेसी क्या बात है इंडिया का एक्सटेंडेड नेबरहुड में मोजाम्बिक भी आता है यस इंडिया कहता है इंडियन ओशन के आसपास जितने देश हैं वो मेरे एक्सटेंडेड नेबरहुड में है ये देखिए एक्सटेंडेड नेबरहुड यानी पड़ोसी ही है थोड़ा दूर पे है लेकिन क्या कहिएगा पड़ोसी में मानता हूं इट क्लियर अब ये मोजाम्बिक कंट्री मोजाम्बिक कंट्री अफ्रीका नेशन ठीक है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड देखिए जीएस पेपर टू इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन इसी में नेबरहुड में एक्सटेंडेड नेबरहुड कंसेप्ट कम सब ये देखिए ठीक है तो मोजाम्बिक कंट्री में इतना हेल्प कर रहा है इंडिया यस इसके पहले मोजाम्बिक में ही नहीं कुछ और कंट्रीज में भी इंडिया ने हेल्प किया है लास्ट ईयर से जब से कोविड फैला मिशन सागर सुना है आपने स्टूडेंट्स जन्मी मिशन सागर ये देखिए इंडिया हैंड अक्रॉस द इंडियन ओशन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन मिशन सागर आई एन एस केसरी ऑन स्पेशल मिशन टू डिलीवर कोविड नाइन्टीन असिस्टेंस मेडिसिन मेडिकल पर्सनल फूड आइटम्स टू फाइव इंडियन ओशन पार्टनर्स शेचल्स मालदीव्स मोरोस मॉरिशियस ये देखिए बात समझ में आ रही है पांच देशों को जाकर सप्लाई किया फूड मेडिसिन पर्सनल भी फूड आइटम्स भी ठीक है ये सारी चीजें यहां देखिए एंड ये साफ साफ इंडिया टाइम टेस्टेड रोल एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द रीजन कंटिन्यूज देखिए पहला रेस्पोंडर कौन था पहला रेस्पोंड कौन करता है टू तो एनी डिजास्टर इंडिया ये देखिए और यही वजह है ये साफ साफ शो कर रहा है कि मोजाम्बिक को भी हेल्प इसी वजह से दिया जा रहा है इंडिया इज कंसिडरिंग मोजाम्बिक एज इट्स एक्सटेंडेड आइएर मिशन देखते हैं इस न्यूज में क्या लिखा हुआ है आई एन एस केसरी आग है इन मे जून टू थाउजेंड ट्वेंटी आई एन एस केसरी वही है टू प्रोवाइड ह्यूमेटेरियन असिस्टेंस टू मालडीव मॉरिशियस

सुदर्शनी विच इज ऑन द डिप्लॉयमेंट इन द ग्फ रीजन एज पार्ट ऑफ नेवीज एफर्ट्स टूवर्ड्स फैमुलराइजिंग फ्रेंडली नेवीज ऑन वेरियस फेसेट ऑफ ऑपरेशन इज एट प्रेजेंट इन बंदर अब्बास इन ईरान ये देखिए यानी आई एन एस सुदर्शनी कहां डिप्लॉयड है एट प्रेजेंट गल्फ कंट्रीज में आई एन एस सुदर्शनी का एम क्या है जो भी नेबरिंग गल्फ गल्फ खा, खाड़ी देश हैं गल्फ कंट्रीज ईरान इराक सऊदी अरब जो भी फ्रेंडली हैं उनकी नेवी के साथ बातचीत करना बस दैट इट साफ साफ दिख रहा है इंडिया का बहुत बड़ा फोकस एक तो खाड़ी देश दैट इज गल्फ कंट्रीज पर्शियन गल्फ कंट्रीज एंड सेकंड मोजाम्बिक एंड अफ्रीकन कंट्रीज यू कैन सी इट हियर इंडिया हैंड ओवर टू फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट एंड अदर सेल्फ डिफेंस इक्विपमेंट Yes, to Mozambique to assist in its capacity building as the Central African nation battles growing terror threats. Yes, self-defense equipment the India ne, including fast interceptor craft. Thiga, type of boat. Naval ship INS Kesri entered the port of Maputo, Mozambique's capital Maputo, in Mozambique to deliver 500 tons of food aid as well as defense equipment. Thiga, यस यस नमस्कार गुड मॉर्निंग ठीक है तो ये देखिए इंडिया की तरफ से हेल्प दिया जा रहा क्यों मोजाम्बिक के ऊपर ही फोकस क्यों इतना ज़्यादा क्योंकि मोजाम्बिक इज मोजाम्बिक इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इस्लामिक स्टेट यस इस्लामिक स्टेट यहां पे सुदृढ़ हो गया है ये देखिए क्या ये परेशानी की बात है स्टूडेंट्स टेल मी ये देखिए यस सो so, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन सागर के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने आई एन एस सुदर्शिनी कहां पर पढ़ लिया हम लोगों ने आई एस केसरी कहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया ठीक है सो इज दिस नीडेड फॉर द प्रिलिम्स यस इट्स नीडेड सागर का फुल फॉर्म आई एस केसरी आई एन एस सुदर्शिनी ठीक है एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो इन प्रिलिम्स के अलावा मीनस में मीनस में इस्लामिक स्टेट एक वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है डू यू एग्री टेल मी और ये इस्लामिक स्टेट लार्ज कर रहा है अपना एरिया दैट्स इट इट हैज बीन काउंटेड इन सीरिया बट इट इज स्टिल अ बिग थ्रेट इन द रिमेनिंग अफ्रीकन कंट्रीज ये देखिए तो मीन में लिंक कर दीजिएगा और इसी को टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इंडिया मोजाम्बिक को हेल्प दे रहा है चलिए आगे पढ़ जाए स्टूडेंट्स ऑल्सो मेंशन दिस न्यूज इन इंडिया अफ्रीका रिलेशंस डू यू एग्री इंडिया अफ्रीका रिलेशंस मेंशन जरूर कीजिएगा इस न्यूज को ये देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक श्रीलंका टू साइन ट्रिंकोम मैली डील विद इंडिया सुन इंडिया श्रीलंका रिलेशन ये देखिए ट्रिंकोम मैली एक जगह है देखिए श्रीलंका में ये देखिए इस जगह पे इट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्टी देखिए देख रहे हैं आप ये वही जगह स्टूडेंट्स जहां पे कभी एल का सबसे बड़ा एरिया था ये देखिए एल टी टी कैप्चर्ड एवरीथिंग आउट हेयर इन नाइनटीन ये देखिए एंड ट्रिंकोमैली इज द कैपिटल ऑफ दिस नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस ट्रिंको मैली में इंडिया और श्रीलंका मिलकर बनाएंगे ऑयल टैंक ये देखिए ऑयल टैंक है वो यहां लिखा हुआ ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश बिल्ट द ट्रिंकोमैली ऑयल टैंक फार्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश ने बिल्डअप किया था टू सर्व एज रिफ्यूअलिंग स्टेशन क्या बात है शिप्स के लिए रिफ्यूअलिंग के लिए एंड आउट uh, दिस एडजन टू द ट्रिंक ऑफ मैली पोर्ट तो ये लगभग सौ साल पुराने सौ साल नहीं अस्सी साल हो गए हैं लिखा हुआ नियरली सेंचुरी ओल्ड ऑयल टैंक्स नीड टू बी रिफर्बिश्ड ठीक से उसको वापस बनाना है मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे इंडिया इंटरेस्टेड था शुरू से ही श्रीलंका ने बोला कि अब इंडिया को इंडिया को मौका दे देंगे हम यहाँ बनाने के लिए ट्रिंको मैली ऑयल टैंक फार्म्स इज दिसल और वैल्यू एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशन यस प्रोस्पेक्ट्स ये देखिए प्रोस्पेक्ट्स लाइट इट बस यहां से इतना ही उठाना है अब अब सर क्या कोई और भी देश प्रेशराइज कर रहा था क्या बहुत दिन से ये डिलेट था प्रोजेक्ट बहुत दिन से इतना दिन से डिलेट था ये प्रोजेक्ट कि मैं क्या बताऊं 2003 से ये डिलेट था प्रोजेक्ट ये देखिए 2003 से क्यों वही एक ही फैक्टर चाइना एंड चाइना फैक्टर कमिंग अप इन बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबरहुड कंट्रीज ये देखिए सो प्लीज लिंक दिस न्यूज दिस शोज अ गुड स्टेप अ गुड प्रोस्पेक्ट अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया श्रीलंका रिलेशन इम्प्रूव इन द फ्यूचर दैट्स इट अभी इंडिया श्रीलंका में आया था फिशरमैन इशू एक चैलेंज ये ऐड कर दीजिएगा एक प्रोस्पेक्ट के रूप में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक ओमिक्रॉन ओवरटेक्स डेल्टा स्ट्रेन इन यूएस ड्राइव्स स्पाइक इन केसेस अराउंड द वर्ल्ड फ्रांस सीज़ वन लैख कोविड केसेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट हिस्ट्री ऑस्ट्रेलियन स्टेट इज रिकॉर्ड कोविड नाइनटीन केसेज इन यूएस इट्स वन लैक नाइनटी सेवन थाउजेंड डेली केसेज कमिंग अप In US ये देखिए केस लोड देख सकते हैं आप एंड दिस सिग्निफाइज ओमिक्रॉन इज स्प्रेडिंग लाइक एनी थिंग एंड डेथ रिजन टू इन यूएस सो दिस न्यूज यू कैन सी across रेजिंग अक्रॉस with विद इट्स strain ओमिक्रॉन ये देखिए रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहे हैं हर जगह पे केवल एक हफ्ते के अंदर में fourteen डेज बैक यूएस was वेरी सेफ ये देखिए fourteen डेज बैक एंड नाउ fourteen डेज के बाद ऐसा हुआ है कंडीशन चौदह दिन के अंदर कि एक लाख संतानवे हजार डेली केसेज आ रहे हैं ये देखिए अब आप कहिएगा कि ठीक है सर क्या दिस एंड कहा जा रहा है कि इंडिया में भी कुछ सम स्टेट्स ठीक है सम स्टेट्स माइट फेस द दबल द डबल प्रॉब्लम दैट इज द डेल्टा एंड द ओमिक्रॉन जैसा कि यूएस या बाकी यूरोपियन कंट्रीज फेस कर रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है ये न्यूज़ तो अब आता ही अभी आएगा ही एक एक महीने लगभग ओमिक्रॉन के बारे में नेक्स्ट इसराइल प्लान टू डबल सेटलर्स इन गोलन हाइट्स ये वेस्ट एशिया का न्यूज़ ये देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता वेस्ट एशिया को कहाँ पे कौन सा पैंडेमिक है हमेशा लड़ाई चलती रहती है डायनामिज्म चलता रहता है ये देखते हैं आगे वेर इज गोलन हाइट्स सीरिया लेबनन जॉर्डन और इसराइल के बीच में ये रीजन है गोलन हाइट्स का ये देखिए ये गोलन हाइट्स इजराइल के इल्लीगल ऑक्युपेशन में है लोग कहते हैं इजराइल हैज कैप्चर्ड इट कब कैप्चर किया 1967 में जब वॉर किया था उसने सीरिया का ये पार्ट था इट वाज कैप्चर्ड ये देखिए गेट द पॉइंट सो इजराइल और देखिए यहां पे यहीं पे स्टूडेंट्स यहीं से रिवर जॉर्डन निकलती है आपने सुना होगा लेक सी ऑफ गैलेली डेड सी टेंट लोकेशन आउट सी ऑफ गैली एंड डेड सी ये देखिए तो ये सीरिया लेबन ये सवाल यूपीएससी में आया हुआ Golan हाइट्स लोकेटेड वेस्ट एशिया अफ्रीका बहुत इजी आया था वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट ठीक है लेकिन अब ऐसा सवाल नहीं आएगा डोंट बी हैप्पी कि इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है नहीं अब आएगा कौन से चार देशों के बीच में है इट्स सीरिया लेबन इसल एंड जॉर्डन ठीक है इट्स अंडर इसराइल ऑक्यूपेशन देखिए लिखा हुआ है इसराइल कैप्चर्ड द गोल्डन हाइट्स इन 1967 मिड ईस्ट वॉर एंड लेटर एनेक्स द टेरिटरी कंप्लीटली कैप्चर कर लिया एनेक्स कर लिया अपने ही देश में मिला लिया उसने और अब कह रहा है कि अब मैं वहां पर लोगों को ले जाकर सेटल करूंगा उस जगह में सीरिया से ऐसी लड़ाई चल रही है उसकी उसी में लेबनन कह रहा है मेरा भी कुछ पार्ट है उसमें उसमें जॉर्डन कह रहा है मेरा भी कुछ पार्ट है गोलन हाइट्स में इट्स अ एरिया ऑफ डिस्प्यूट इन वेस्ट एशिया ये देखिए डिस्प्यूटेड एरिया है ये सो so, प्रीलिम्स के लिए रिमेंबर द लोकेशन एंड द फोर कंट्रीज सराउंडिंग इट दैट्स इट चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स लिबिया के लगभग ये देखिए लिबिया के ट्वेंटी सेवन माइग्रेंट्स इंक्लूडिंग चाइल्ड वॉश अशोर आफ्टर द डेथ After the boat capsized in Mediterranean Sea, is this is a classical example of illegal migration going on from Africa towards Europe. क्या इसका न्यूज अभी कुछ दिन पहले एक हफ्ते पहले आया था ये देखिए अफ्रीका से यूरोप की तरफ इन लीगल माइग्रेशन बहुत कंडीशन खराब चल रही है अफ्रीका की फूड इन सिक्योरिटी डिजॉर्टिफिकेशन ड्रॉट एरिया टेररिज्म इस्लामिक स्टेट मीनस एक ही साथ छप्पड़ फाड़ कर परेशानी अफ्रीका में एंड एंड रिजल्ट पीपल आर रनिंग अवे फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज़ टूवर्ड्स यूरोपियन कंट्रीज़ एक यूरोपियन कंट्रीज़ का और भी है कि वहां जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा भले ठीक नहीं होता है लेकिन जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा इसीलिए इसी लालच में एक बोट जिसपे दस लोग सवार रहेंगे उसके ऊपर थर्टी पीपल आर ऑन बोट जहाँ एक बोट हंड्रेड पीपल कैरी कर सकता है उस पर फोर हंड्रेड पीपल आर ऑन बोट एंड दिस लीड्स टू इंक्रीज एक्सीडेंट्स इन द मेडिटेरेनियन सी आउट है ये देखिए इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं स्पेसिफिकली आफ्टर टू थाउजेंड थर्टीन टिल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की क्या कहा जाए मीन्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल गॉड किल्ड वाई आफ्टर टू थाउजेंड थर्टीन ये वही दौर था जब इस्लामिक स्टेट राइज किया था इस रीजन में ये देखिए तो ये अगेन एक केस स्टडी एक एग्जाम्पल इलीगल माइग्रेशन का अक्रॉस द दर्ल्ड जीएस जोग्राफी इलीगल माइग्रेशन इज अ क्लासिकल टॉपिक ऑफ जोग्रफी ठीक है आइए आगे, आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक डिसमन टू टू हू फॉट फॉर अ रेनबो नेशन डाइज एट नाइनटी अ टायरलेस एक्टिविस्ट द आर्च बिशप वन द नोबेल पीस प्राइज इन एटी फोर फॉर कंबेटिंग वाइट माइनॉरिटी रूल दैट इज एपर थीट इन साउथ अफ्रीका सो एपर थीट रिमूव करने के लिए एपर थीट पॉलिसी ऑफ रेशियल एरोगेंस प्रैक्टिस बाई द वाइट्स इन अफ्रीका साउथ अफ्रीका डू यू एग्री टर्मी क्या इसी को रेशियल रेशियल क्या यही रेशियल एरोस के एग्जाम्पल्स uh, पिछले एक साल में बहुत सारे आए हैं टर्मी एग्जाम्पल याद कीजिए हम लोगों ने डिस्कस किया था दिस uh, ओकलाहा में कुछ यूएस में यूएस में ओकलामा में हंड्रेड ईयर्स बैक कुछ हुआ था वाइट्स uh, ने कुछ किया था ब्लैक्स के साथ ठीक है इसके अलावा दिस फ्रांस फ्रांस का रोल अफ्रीका में नामीबिया के ट्राइबल्स के खिलाफ जर्मनी का रोल ऑल दिस इन द हिस्ट्री बुक्स दिस इज दिस इज अ शेमफुल एक्ट कमिटेड बाय द यूरोपियंस एंड दे आल्सो कैरिड आउट इन आवर कंट्री दैट इज इंडिया ये देखिए रेशल डिस्क्रिमिनेशन और इसी रेशल डिस्क्रिमिनेशन का सबसे ज़्यादा समय तक ये चला है कहाँ पर साउथ अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका में इनफैक्ट दक्षिण अफ्रीका में इतना ज्यादा प्रैक्टिस था ये एक्सप्लेटली इट वॉज प्रैक्टिस को बैन लगाया गया था इवन ऑल द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से इंक्लूडिंग क्रिकेट में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एंड क्रिकेट में पार्टिसिपेशन 1992 में शुरू हुआ साउथ अफ्रीका देन केम बिकेम द मेंबर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स ऑल बिकॉज एपर थीड वॉज रिमूवड थैंक्स टू द वर्क डन बाई ने मंडेला एंड डेस्म टू ये देखिए बात समझ में आ रही है तो क्या ये वर्ल्ड uh, हिस्ट्री का टॉपिक डिस्क्रिमिनेशन यस और क्या डेस्म टू एक ऐसे पर्सनैलिटी नेल्सन मंडेला हुआ रेनबो नेशन रेनबो मीन्स जहां पे कल्चर्स मल्टीपल कल्चर हो रेनबो की तरह वहां सब कुछ एग्जिस्ट करें देखिये स ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रेशल डिस्क्रिमिनेशन दो तरीके से होता है एक ऑफिशियल एक जब खुद सरकार करे स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑफिशल ऑफिशियल रेशल डिस्क्रिमिनेशन और एक जो इनफॉर्मली हो इमली अभी भी बहुत जगहों पर हो रहा है आई होप यू एग्री विद मी जनमी एक एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कॉसियस क्ले का मोहम्मद अली का द फेमस बॉक्सर फ्रॉम US. He was a black and uh, he went on to win gold medals in successive Olympics. Rome Olympics specifically, he won the gold medal for US in the boxing championship. And uh, thereafter, he went back to US to sit in the restaurant to eat with the whites. But he was thrown out of the restaurant and then he. वेंट टू द ब्रिज ओवर रिवर ओहायो उनकी कहानी पढ़िएगा जाकर रिवर ओहायो के ब्रिज uh, के ऊपर रिवर ओहायो वहाँ पे इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर मिसिसिपी वहाँ पे ब्रिज पे जाकर उसके ऊपर पुल पे जाकर खड़े होकर मेडल फेंक दिया नदी में वाई दिस मेडल को डोंट इवन गिव हिम रिकॉग्नेशन दैट ही नीट उन्होंने कहा था कि रंग का भेद एक ओलंपिक मेडल से भी दूर नहीं हो पाया यही हैसियत है मेरी एंड हिज वर्ड्स हैव बीन हिज वर्ड्स आर लाइक दे गिव यू इंक्रीज मोटिवेशन यू रीड अबाउट हिज स्टोरी दैट्स इट चलिए आगे बढ़े ठीक है जीएस पेपर थ्री का एक टॉपिक है आज ये देखिए एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन फाइव चाइनीज गुड्स चाइना जब आएगा तो आ... ट्रेड में तो दो ही न्यूज रहते हैं या तो चाइना से ट्रेड कैसा चल रहा है हम लोगों का एंड सेकेंड एंटी ड्यूटी ये देखिए डंपिंग इज अ इलीगल एक्ट जो एक डोमेस्टिक कंट्री मीनस एक कंट्री सस्पेक्ट करता है कि दूसरा देश ये डंपिंग कर रहा है हम केवल सस्पेक्ट कर सकते हैं वी कैन नॉट वी डोंट हैव एविडेंसेस ठीक है गेटिंग द पॉइंट अब आप कहिएगा ओके ओके सर ये Uh, यानी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइनीज गुड्स पे इंपोज किया जाता है व्हेन इट इज सस्पेक्टेड टू बी डंप्ड इन द कंट्री यस व्हाट इज डंपिंग मैसिव गुड्स पुट अप कर देना किसी दूसरे कंट्री में चीप प्राइसेस दैट्स इट ताकि उस देश का डोमेस्टिक सेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाए दैट्स इट नथिंग एल्स तो तुरंत चाइना को लेकर यह न्यूज आया है एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज किया गया इंडिया इज इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन फाइव चाइनीज प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एलुमिनियम गुड्स एलुमिनियम गुड्स यस सम केमिकल्स फॉर फाइव इयर्स इट हैज बीन ये देखिए एंड देखिए ड्यूटीज हैव बीन इंपोज ऑन सर्टेन फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ एलुमिनियम सोडियम हाइड्रोसलफाइड यूज इन द डाई इंडस्ट्री ये देखिए आ सकता है प्रलिश क्वेश्चन सोडियम हाइड्रोसलफाइड कहां इस्तेमाल होता है इट्स इन द डाइंग इंडस्ट्री ये देखिए डाई कलर एंड डाई इंडस्ट्री सिलिकॉन सीलेंट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स ये देखिए सिलिकॉन सीलेंट इस पर भी इंपोज किया गया है और इसका इस्तेमाल क्या कहा होता है फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स में एंड ऑल्सो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कॉम्पोनेंट विच इज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट ये देखिए क्या ये क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स सोडियम हाइड्रोसल्फाइड डाई इंडस्ट्री में सिलिकॉन सीलेंट यूज इन सोलार मॉड्यूल्स नेक्स्ट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज्ड यूज इन रेफ्रिजरेंट्स ये देखिए दैट्स इट तो ये किसने जारी किया ये ऑर्डर एंटी डंपिंग ड्यूटी का एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन दम एक टैक्स जैसे चाइना ने कहा ये मान लीजिए चाइना ने कोई गुड बनाया सौ रुपए का हंड्रेड रुपए का एनी गुड इज बींग मेड इन चाइना उसने इंडिया में लाकर बीस रुपए में डाल दिया तो डंपिंग हो गया ना बहुत चीप प्राइसेस पे ये देखिए ठीक है एंड इसी के ऊपर इंडिया ने कहा एंटी डंपिंग ड्यूटी मान लीजिए ठीक है मान लीजिए हंड्रेड रुपीज का गुड इंडिया में एट्टी का मिल रहा है ट्वेंटी रुपीज एंटी ड्यूटी इंपोज कर दिया गया उस गुड़ के ऊपर अब आप कहिएगा इंडिया एक्सेप्ट क्यों कर रहा है इंडिया एक्सेप्टिंग बिकॉज़ ऑफ़ द लोकल मैन्युफैक्चरर्स, लोकल ये ये भारत सरकार थोड़े खरीदती है ये आम जनता खरीदती है वहां से इंडस्ट्रियलिस्ट खरीदते हैं वहां से दैट्स इट ठीक है तो ये देखिए इट हैज इस एंड विच ऑफिस हैज इंपोज दिस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज डीजीटीआर ये देखिए ये देखिए डीजीटीआर डीजीटीआर ऑफिस ये देखिए मैंने पढ़ाया था आपको मे 2018 दिस ऑफिस केम इनटू टू एग्जिस्टेंस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज इसका ओल्ड नेम था ध्यान दीजिएगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइट ड्यूटीज ये देखिए एंड इस ऑफिस में डीजीटीआर के ऑफिस में चार ऑफिस हैं ध्यान दीजिएगा पहला ऑफिस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज ये देखिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेफ ये देखिए उसके बाद डायरेक्टर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेफ हो गया एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड एंड ये देखिए यहां लिखा हुआ है ठीक है सो इट्स दिस

तो ये तीन ऑफिस हैं तीन ऑफिस शायद ठीक है दिस हैज बीन इंक्लूडेड अंडर अंडर अ सिंगल ऑफिस एंड दिस ऑफिस इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दैट्स इट यही इंपोज करता है एंटी डंपिंग ड्यूटी दैट्स इट ठीक है इंडिया के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव करने के लिए और चलिए अगला टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी कंपनी साइन अप वी विल लॉन्च प्राइम इंडेक्स ये जो सामने पर्सनैलिटी दिख रहे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एन एसई एनएससी सुना है आपने टेल मी एंड एनएससी में कुछ क्या निफ्टी करके निफ्टी इंडेक्स निकलता है क्या टेन में ऐसी क्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसमें क्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या सेंसेक्स निकलता है टेन में सेंसेक्स ये देखिए इज़ निफ्टी इज द शेयर प्राइसेस ऑफ टॉप फिफ्टी कंपनीज ये देखिए लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाइल्ड सेंसेक्स सेंसेक्स इतना आगे बढ़ा सेंसेक्स इतना नीचे आया सेंसेक्स इज द एवरेज शेयर प्राइसेज द शेयर प्राइसेज ऑफ कंबाइंड शेयर प्राइसेज ऑफ टॉप कंपनीज़ लिस्टेड ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो ये लिस्टिंग का मतलब क्या लिस्टिंग मीन्स दीज कंपनीज द ओनरशिप इज ट्रेडेड ये देखिए ओनरशिप इज ट्रेडेड इसका मतलब क्या होता है ओनरशिप शेयर्स आर ट्रेडेड डू यू एग्री टेल मी ये देखिए शेयर आर ट्रेडेड लोग खरीदते हैं बेचते हैं एसबीआई का शेयर एक शेयर बिक रहा है अब उस एसबीआई के मान लीजिए चार लाख शेयर हैं उसमें से एसबीआई ने एक लाख शेयर ठीक है सौ सौ रुपए पर डाल दिया है मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर तो उसी की खरीदारी होती है एग्री कर टर्मिन यही होता है स्टॉक मार्केट पर सप्लाई एंड डिमांड शेयर्स शेयर्स के प्राइसेस डिटरमिन होते हैं उससे अब ध्यान दीजिए क्या इसमें बहुत सारी कंपनीज फ्रॉड भी होती है स्टूडेंट्स आर देयर फ्रॉड कंपनीज इन द फील्ड यस एंड इनका शेयर प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉफिट्स डिपेंडिंग अपॉन कि उनका कैसा चल रहा है पूरा दिस उनका दिस कॉस्टिंग कैसा चला है यस yes. और कितनी बार कंपनीज फ्रॉड बोलती हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ सौ करोड़ रुपए का जबकि एक रुपए का प्रॉफिट नहीं होता है। दे जस्ट दे जस्ट क्रिएट अ मींस प्रॉब्लमेटिक बैलेंस शीट आउट देयर अ फ्रॉड बैलेंस शीट कितनी कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ही नहीं प्रॉपर कितनी कंपनीज तो झूठ पे ही चल रही हैं और उन कंपनीज के ऊपर केस भी किया गया है और ये नहीं कंपनीज को बाहर निकालने के लिए या इनको वीड आउट करने के लिए इन सारे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक इंडिया की बॉडी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी सुना है टेल मी स्टूडेंट सेबी का मेजर काम होता है देखना कि जो कंपनीज लिस्टेड हैं भाई जनता का पैसा लग रहा है इसमें ना आप लगा रहे हैं आप जनता जनता का पैसा लग रहा है इन फ्रॉड कंपनीज को निकाल कर फेंक देना बाहर एंड सेटिंग अप न्यू रेगुलेशंस ये देखिए न्यू रेगुलेशंस फॉर ट्रेडिंग इन द मार्केट ये देखिए अब आप कहिएगा ठीक है सर तो ये नया न्यूज क्या है ध्यान सेबी के के रेगुलेशंस तहत ने आज से चार साल पहले कहा था ध्यान दीजिएगा चार साल पहले कहा था दट एनएससी एंड बी एस सी को एक नया एक नया ग्रुप क्रिएट करना चाहिए सुनिएगा ठीक है द एनएससी एंड बी एस सी द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शुड क्रिएट आर वेरी गुड इन फॉलोइंग ऑल द रेगुलेशन्स बोला गया कि इससे फायदा क्या होगा सेबी ने कहा इससे जनता को पता चलेगा कि ये कौन सी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छी हैं पंक्चुअल हैं ओबीडियंट है जैसे कि हर क्लास में एक स्टूडेंट होता है नहीं जो हमेशा अच्छा काज हमेशा मींस टॉप uh, करता है टीचर की बात मानता है उसको देखते ही लगता है कि अच्छा अच्छा ये स्टूडेंट इसी से कंपैरिजन सबका किया जाता है आपके घर में भी कंपैरिजन उसी से किया जाता है सो इट्स लाइक दैट तो कहा गया अच्छा ऐसी कंपनीज क्या बोला गया बिल्कुल है और उसी को लेकर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अनाउंस किया है आज दैट वी विल लॉन्च आई प्राइम इंडेक्स ये देखिए ये देखिए प्राइम इंडेक्स इज द मीनिंग ऑफ दिस एन एस सी के एन एस सी के एम डी से पूछा कि ये कौन सी कंपनीज में आएंगी ये मींस जैसे कि निफ्टी था सेंसेक्स से है वैसे ये प्राइम इंडेक्स अलग है यस yes, ये देखिए सो वी आर क्रिएटिंग अ कैटेगरी ऑफ कंपनीज दैट वी आर कॉलिंग एनएससी प्राइम और देखिए यहां लिखा हुआ है ये देखिए दे वुड वॉल्टरली साइन अप फॉर गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स ये कंपनीज के अंदर कॉरपोरेट गवर्नेंस के हाइएस्ट स्टैंडर्ड्स ये देखिए इसका मतलब क्या है ये कंपनी सारी चीजें फॉलो कर रही है ठीक है इन कंपनीज को भारत सरकार ने कहा बैंक में सारा पैसा जमा करो जमा कर दिया अपने डायरेक्टर्स में अपॉइंट करो सही डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिया अपनी कंपनी का पूरा डेटा शीट अभी लेकर आओ अभी लेकर आ रहे हैं सर सब कुछ बता दिया भारत सरकार ने कहा क्या कुछ भी फ्रॉड नहीं है तुम्हारे पास नहीं कुछ भी नहीं है सब कुछ तो ठीक से चल रहा है बोला कि अच्छा ऐसा डोंट डोंट यू एग्री पीपल विल लाइक टू इन्वेस्ट इन दीज इन दीज टेल मी लोग इसी में इन्वेस्ट करेंगे ये देखिए तो ये कंट्री ये कंपनीज को फॉलो करना पड़ेगा गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स प्राइम कैटेगरी में आने के लिए नथिंग एल्स और ये गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स देखिए सेबी ने भी लिस्ट किया हुआ ये देखिए The the companies will have to meet the standards to get admitted on this list and then comp comply on an ongoing basis. Comply करना पड़ेगा एनुअली क्वार्टरली जैसे भी मांगा जाएगा से भी मांगेगा ठीक है इसका मतलब क्या है अगर आप कंप्लाई नहीं कीजिएगा तो आप, आप बाहर निकल जाइएगा प्राइम कैटेगरी से आपकी कंपनी निकल जाएगी इट्स द सेम थिंग कि आप टॉपर रहे हैं अचानक से आपने एक, एक एग्जाम में आप बंक मार दिए एग्जाम में ठीक है

एंड uh, लिखा हुआ है कि एग्जिट uh, भी होगा एंट्री भी होगा कंप्लाई करना पड़ेगा रिव्यू होता रहेगा कंपनीज का परफॉर्मेंस ये देखिए वेयर टू लिंक दिस टॉपिक अरे इस टॉपिक को तो लिंक करने का बहुत सटीक जगह जीएस पेपर फोर ये देखिए जीएस पेपर फोर सेकेंड लास्ट पैराग्राफ इफ आई एम नॉट रॉन्ग देर टॉपिक द लास्ट टॉपिक इन द सेकेंड लास्ट पैराग्राफ कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है वहां पे मुझे बताइए स्टूडेंट्स ये देखिए ज दिस अ टॉपिक इन जी एस पेपर फॉर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड टलमी देखिए वहां पर और वहीं पे ये न्यूज लिंक होगा अगर कोई सवाल आ गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर तो डोन्ट फॉर्गेट टू मैंशन दिस न्यूज लिंक दिस न्यूज दिस इज अग ऑफ एन एस सी प्राइम एनएससी एन एस सी प्राइम इंडेक्स डेट्स इट तो दिस वाज़ द न्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड एथिक्स ये देखिए साथ में अगला टॉपिक uh, जीएस पेपर uh, थ्री में साइंस एंड टेक एंड इंडिया एंड वर्ल्ड जोग्राफी एंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट ये देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लान टू एड ट्वेंटी एट थाउजेंड टू पॉइंट कैलीमियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु इट्स अ वेटलैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये देखिए कल भी एक न्यूज आया था चिल्का लेक के बारे में आज भी एक न्यूज वेटलैंड में 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 पॉइंट के बारे में ये Where is point यहां पे ये ये देखिए। देखिए देखिए। देखिए। पे पे स्टूडेंट्स। से साउथ मार्शी एरिया वेटलैंड देखिए। मैंग्रोव भी है यहाँ पे मैंग्रोव मार्शी एरिया एंड अ वेटलैंड इन तमिलनाडु इट्स लोकेटेड जस्ट साउथ ऑफ पुडुचेरी एंड जस्ट साउथ ईस्ट ऑफ तिरुचिरापल्ली पल्ली दिस पेनसुलर पोर्शन ये देखिए क्लियर है और यहीं पे मीन इसका साइज एरिया बढ़ाया जा रहा है क्यों इट्स माइग्रेटरी बर्ड्स का ये एक माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आते हैं इट्स द ब्रीडिंग ग्राउंड एंड इट्स द इन द विंटर सीजन इट्स विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम रशिया फ्रॉम साइबेरिया लिखा हुआ है पैलिकन्स सैंड पाइपर्स कैसपियन टर्न क्रेस्टेड टर्न रेड शैंक सी गल्स वाइट आईबेस ये सारे नेम्स से बर्ड्स के जो यहाँ अराइव करते हैं ये देखिए कितने खुश प्रसन्न नजर आ रहे हैं ये सारे बर्ड्स क्लियर स्टूडेंट्स the decision comes after a count of migratory birds in the swampy. तो वेटलैंड इमिल्सिम्स yeah. so के लिए पॉइंट कैन इंपॉर्टेंट उसके पहले इंडियन इकोनॉमी का न्यूज देखा हम लोगों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस एन एस प्राइम इंडेक्स एंड जीएस पेपर फॉर ऑल्सो गेटिंग लिंक आउटर वी ऑल्सो सॉ समथिंग कॉल्ड इज ड्यूटी ऑन फाइव चाइनीस गुड्स उसमें कौन कौन से गुड्स है सोडियम हाइड्रोसल्फाइट डाई इंडस्ट्री में यूज होता है सिलीकॉन सीलेंट यूज होता है सोलर फोटोबल टाइप मॉड्यूल्स में एंड हाइड्रोफ्लोरो कार्बन आपको पता ही है ये चीज ठीक है <laughs> और ये देखिए स्टूडेंट्स डेस्टमन टू टू ये या पर थ्री रेशियल डिस्क्रिमिनेशन न्यूज उसके पहले ट्वेंटी माइग्रेंट्स के पहले सीरिया गोलन हाइट्स एंड उसके पहले स्टूडेंट्स ओमिक्रॉन ओवर स्टेट इन यूएस श्रीलंका इंडिया ट्रिंकोमी डील उसके पहले इंडिया मोजांबिकल्प और उसके अलावा देखिए दिस राइट टू प्रेवेसी राइट टू फॉर गॉटन एंड नागालैंड पैनल टू लोक इन टू एफ एस पी एट्रॉल आई होप यू एंजॉय टूडेन लेट मी नो इन दैट लेट्स प्रोसीड टूअर्ड्स द एंडिंग द सेशन एंड द कंसेप्टूट्यूब चैनल पर आधे घंटे में सेशन शुरू होगा एडिटोरियल एंड आर्टिकल्स का डोंट फॉर गेट टू कम ऑन द यू टूब चैनल द कंसेप्ट दिस इज इट स्टूडेंट फॉर टूडे फ्रॉम माई साइट दिस इज द टेलीग्राम चैनल अन अकेडमी अंडर स्कूल अनुराग सिंह जुड़ जाइएगा इस सेशन के फ्री पी डी एफ एंड फर्दर अपडेट्स के लिए मिलते हैं आधे घंटे में द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पर नमस्कार जय हिंद गुड डे अहेड टेक केयर